हम तो अभी फिलहाल किसी को भी कंप्यूटर नहीं मानते। किसी कॉलेज का ना, किसी यूनिवर्सिटी किसी का नहीं है, ए डबल डबल। भारत सरकार द्वारा हमें नेक A++ ग्रेड दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है कि रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT पोहाना स्थित RIT कॉलेज में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, संस्थान के डायरेक्टर एवं चेयरमैन एवं अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी देते बताया कि संस्थान को A++ की मान्यता प्राप्त हुई है, जिसको लेकर क्या कहा आइए जानते हैं। मिला है कॉलेज ने उन जो नेक के जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरे उतरने के बाद कॉलेज को ग्रेड मिला है, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने उस क्वालिटी को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन सब को मेंटेन किया है। यह हमें बहुत ही खुशी होती है कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने किए? चेंजेस तो ये समझिए कि अगर आप देखेंगे, अगर नैक में जो अप्लाई करते हैं तो कॉलेज की पूरी ओवरऑल हो जाता है, टीचिंग मेथोलॉजी से, पढ़ाने के स्टाइल से लेके टीचर्स के, उसमें सारे में बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आउटकम बेस्ड होता है। कोई सब्जेक्ट अगर आप देखें तो एक नॉर्मल पढ़ाया जाता है, एक उसका है कि पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वाई वी आर टीचिंग, टीचर शुड नो इट, स्टूडेंट शुड नो इट, ये सब कल्चर डेवलप करना पड़ता है। जो नेक एक्रीडेटेड कॉलेजेस हैं उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, लैब में भी, क्लासरूम में भी, और ओवरऑल जो टीचर्स की क्वालिटी में बहुत बदलाव आता है इसमें। उत्तराखंड के आप पहले कॉलेज हो जो A++ ग्रेड से है। जी जी। और जी। कौन से कॉलेज को आप अपने कंप्यूटर मानते हैं? हम तो अभी फिलहाल किसी को भी कंप्यूटर नहीं मानते। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है हमारा। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने जिक्र किया, तो उसके क्या क्या आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हम सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, तभी हमको A++ ग्रेड प्राप्त हुआ। कोई शंका नहीं रहेगी, वो कहाँ जाना चाहते हैं वो ग्रेड देखें, हर कॉलेज का ग्रेड देख के वो समझ जाएंगे कि उनको कौन से कॉलेज को अप्रोच करना चाहिए। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ आपको ग्रेड है, अचीवमेंट कॉलेज को मिला है, क्या कहना चाहिए? कॉलेज को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, जैसे कि आपको बताया पहले भी, प्रदेश का पहला कॉलेज ऐसा है। कॉलेज क्या, अगर आप विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो भी पहला ही है, ना किसी कॉलेज का, ना किसी यूनिवर्सिटी किसी का नहीं है, A++ पहली बार आया है प्रदेश, और ये प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव की बात है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, अनुगुंज के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम अपनी उड़ान भरे जा रहे हैं और हम हर एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं हर एक टाइम, और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे, हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ नई उड़ान लेते रहेंगे। इतना डिफिकल्ट रहा आप लोग के लिए कि बहुत की बात, आप लोगों ने जिस तरीके से, इसलिए है इसमें जो नैक का जो इंस्पेक्शन होता है, इसमें जो डेटा लिया जाता है वो पिछले 5 साल का लिया जाता है, और पिछले 5 साल को हमें बैलेंस करके, अगर उसमें हमारे 2 साल भी कहीं कमजोर हो गए तो हम ये ग्रेड अचीव नहीं कर सकते। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए हमें नैक को फिल करना पड़ता है फॉर्म को, और जैसे कि हमारे ये लोकेश जी हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया इसमें, बहुत दिन रात काम किया, और हमारा जो निरीक्षण हुआ 13-14 जुलाई को हुआ, सबसे ज़्यादा बारिश थी यहाँ पे, और कावड़ हमारी बिल्कुल पीक पे थी, मतलब हमारे पास हर एक चैलेंज हमने फेस करा है यहाँ पे। और जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, ऊँचे उड़ान के परिंदे छोटी टहनियों से दिल नहीं लगाया, तो RIT एक ऐसा परिंदा है जिसके लिए पूरा आसमान अभी बाकी है, जो उड़ता ही जा रहा है और उड़ता चलेगा आप लोगों के सहयोग से। वेरी मच। उसके बारे में थोड़ा बताइए और क्यों अभी स्टूडेंट्स को आपके यहाँ आना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक A++ करने की तपस्या के समान है, और जैसे हमारे चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, जो मैनेजमेंट था, उनका विजन शुरू से यही था कि हमें इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, और 2005 के अंदर इस कॉलेज को स्थापित किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि पहले हमारे प्रदेश के बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए पूरे भारतवर्ष में जाया करते थे, स्पेशली साउथ इंडिया में जाया करते थे, आप लोगों को पता होगा, और उसी दिन से इनका उद्देश्य यह था कि हमारे बच्चों को बढ़िया से अच्छा रोजगार मिले और अपने प्रदेश में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और उसमें निरंतर से हम उस प्रयास में लगे हुए थे, और आज हमें बड़ी खुशी, हम पहले कहते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भारत सरकार द्वारा हमें नेक A++ ग्रेड दिया गया, ग्रेड प्रदान किया गया, तो ये अपने आप में ही बोलता है कि हमने किस तरह से नई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है, किस तरह से बच्चों को हमने प्लेसमेंट कराया है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, किस तरह की हमने रिसर्च के ऊपर फोकस किया है, तो वो सारे के सारे हमने पूरे मानव मापदंडों पे खड़े होते हैं। जो स्टूडेंट्स अब कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, भाई कौन से कॉलेज में? फिलहाल तो जो हमारा A++ ग्रेड है वो अपने आप में ही बता रहा है कि जितने भी उसके पैरामीटर होते हैं, चाहे उनकी तकनीकी शिक्षा हो, चाहे उनके लिए रिसर्च का एनवायरमेंट हो, चाहे उनके लिए प्लेसमेंट की बात करें, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, चाहे फैकल्टी की बात करें, चाहे लैब्स की बात करें, चाहे यहाँ पर हमें नई टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, तो मैं आशा करता हूँ इस कारण बच्चे हमारे यहाँ आएंगे।
कौन कौन सी बड़ी, मैंने आपको बताया जितनी बड़ी कंपनियां, जैसे हमारे यहाँ इंटेलो लैब आई थी, TCS आई थी, TCS का यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हमारे चलता है जिसमें रेगुलर वो 2 साल तक बच्चों को ट्रेन करते हैं, फिर अपने यहाँ पे उनको प्लेस पे, अपने यहाँ पे उनको रखते भी हैं अपने यहाँ। बहुत से कॉलेज कहते हैं कि रूम नंबर 1 है लेकिन ग्रेड में लाइक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने आप कहने से कभी कुछ नहीं होता है, ये तो भारत सरकार द्वारा जो ग्रेड दिया गया है ये अपने आप में ही कहता है, और इसके मिलने से ये फायदा ये होता है कि बच्चा जहाँ पर भी जाएगा उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जब भी वो कहेगा मैंने A++ ग्रेड कॉलेज से किया है, तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी जितने भी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं अगर वो हायर एजुकेशन के जाते हैं तो उनको वो ऑटोमेटिकली एडमिशन मिल जाएगा। हाँ जी, मुझे लगता है सबके लिए गर्व की बात है कि A++ ग्रेड मिला है, स्टूडेंट्स के लिए भी। हमने जब अनाउंस किया कि हमें A++ मिला है 2 दिन पहले, तो हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे शेयर किया है, तो आई एम श्योर उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी, और फैकल्टीज ने भी बहुत सारी जगह शेयर किया, तो मुझे लगता है आप फैकल्टी से खुद पूछेंगे उनके लिए भी गर्व की बात होगी कि उन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया, तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि A++ उन्होंने। अभी इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, अभी प्लानिंग करते हैं, प्लान करेंगे, और जैसा नमन ने कहा कि हम ऊंची उड़ान के लिए सोचेंगे, जैसा होगा वैसा परिस्थितियां देख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।